हाँ भाई, क्या है भैया, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज और टेक्नोलॉजी बहुत देर से हैं, क्योंकि मुझे शायद पैदा होने की बहुत जल्दी थी। मैं दुनिया में बहुत पहले आ गया और बोर होता रहा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो भाई, उन बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटी में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी ये थी कि हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार बाहर जाके पढ़े, थोड़ा लंदन वंदन में घूमेंगे, अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा, ट्रैवल करेंगे। लेकिन हमारे कोई ऐसे मामू ही नहीं थे जिनके पास एक्स्ट्रा 50 लाख हो जो 3 महीने हमारे अकाउंट में फ्रीज करें ताकि हमें एडमिशन मिले। डराया भी जाता था। ऐसे भी दोस्त थे जो यहाँ से ऑक्सफोर्ड की तस्वीरें दिखाई गई, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, वहाँ गए तो छोटे से कमरे में पढ़ाई हो रही है, प्लस वो डिग्री रिकग्नाइज भी नहीं, ना वहाँ नौकरी ना यहाँ नौकरी। ऐसे भी केसेस थे कि दोस्तों के पास पैसे थे, घर से परमिशन नहीं थी, हमारा बच्चा जाके बिगड़ जाएगा, ये तो अंडा भी नहीं बना सकता, अकेले कपड़े धोएगा, ठंड में कैसे रहेगा, अकेले कसूर नहीं जाने देते, लंदन कैसे जाने देते। अगर भाई यही तो सीन है कि पाकिस्तान में मौजूद स्टूडेंट्स अब पाकिस्तान में बैठे बैठे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज की क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी फॉर क्रिएटिव आर्ट्स, आईकैप, एसीसी, यू नेम इट। अब ना आपको मामू के 50 लाख चाहिए, ना आपको अम्मी की परमिशन चाहिए कि मैं लंदन में जाके सर्दी में पढ़ लूं और शाम में बर्गर बना के बेचूं। कोई जरूरत नहीं है, जब आप पाकिस्तान में बैठे बैठे बेहतरीन पर्पस बिल्ड फैसिलिटी विद द बेस्ट फैकल्टी और आप ही सारा एक्सपोजर आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे मिल सकता है। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज TMUC की 6 डिफरेंट ब्रांचेस जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में मौजूद है और दूसरे शहरों में भी आने वाला है। यहाँ पे पर्पस बिल्ड फैसिलिटी है, बेहतरीन फैकल्टी है और आपको एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट मिलता है। बच्चे खाली सिर्फ किताबों में ही नहीं, पूरा स्पोर्ट्स हो गया, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो गए। जो आपने पहला सीन देखा इस व्लॉग का, मैं गॉडफादर के सेट में नहीं था, वो फैशन स्टूडियो था। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिफरेंट डिसिप्लिन आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है। अगर आपने लॉ पढ़ना है, आपने बिजनेस पढ़ना है, आपने मीडिया पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, फैशन पढ़ना है, सब आपको एक ही फैसिलिटी में मिल रहा है। तो अगर आपके मल्टीपल बच्चे हैं तो ये नहीं कि एक बच्चा शहर के इस कोने में जा रहा है, दूसरे की वैन वहां जा रही है, सारे बच्चे एक ही साथ आ रहे हैं, मल्टीपल डिसिप्लिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं और साथ ही होलिस्टिक एनवायरनमेंट, नेटवर्किंग ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनल एलुमनाई के साथ भी जो है इन टच रहते हैं, तो एक ग्लोबल नेटवर्किंग। और जैसे कि आजकल कहते हैं, नेटवर्क इज नेटवर्थ, ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। सो TMUC इज प्रोवाइडिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। आई विश भाई हमारी जवानी में ये ऑप्शन होता, अब तो आई एम टू लेजी, पढ़ाई वढ़ाई अब हमसे नहीं की जाती भाई, हम पढ़ाई में लग गए तो ये आपसे बातचीत कौन करेगा। तो जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत इंकरेज करूंगा कि TMUC को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए आपको इंटरनेशनल लेवल की डिग्री, HEC से रिकग्नाइज, आपके करियर डेवलपमेंट में बहुत कारामा साबित होगी। और जब आपका स्टार्ट अच्छा होता है ना, तो आपके करियर भी फर्दर ग्रो करता है। सो पेरेंट्स से मैं ये कहूंगा, अपने बच्चों को अपने नियरेस्ट TMUC के कैंपस लेके जाएं, हैव अ फील ऑफ द प्लेस, फैकल्टी से मुलाकात करें, काउंसलिंग लें, अच्छी तरह मुतमईन हो और दिल माने तो जरूर एडमिशन लें, क्योंकि यू कैन स्टडी फ्रॉम पाकिस्तान बट यू ग्रेजुएट फ्रॉम अब्रॉड, ये TMUC की लाइन है। नीचे दिया गया नंबर और वेबसाइट पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, इट विल चेंज योर लाइफ। थैंक यू।